हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। मिस्टर श्वेता पांचाल, स्वागत है आपका क्लास में। और ये क्लास है आपकी केवीएस टीजीटी सोशल साइंस, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय या फिर भारत में राष्ट्रवाद। तो प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर केवीएस टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की, और इसके अलावा सिविक्स और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ज्योग्राफी की भी आ जाएगी अभी एक दो दिन में, ठीक है, कम्प्लीट एकदम। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट, तो आप जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं देखकर प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर जो बच्चे हैं काफी एक्टिव रहते हैं, तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो आई होप वहां पर सॉर्ट आउट हो जाए थोड़ी बहुत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है आज भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले जो टॉपिक था वो था राष्ट्रवाद था, लेकिन वो यूरोप में राष्ट्रवाद था, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक। तो इसमें भी हमने बात की थी राष्ट्रवाद की। देखिए, ये जो थीम है ना, ये हर जगह सेम ही रहती है। जैसे कि कोई भी देश हो, उससे जो रिलेट करने वाले वहां के नागरिक है, जो सिटीजन है, सब में एक जैसे फीलिंग मिलेगी आपको। सभी अपने जो देश है उससे बहुत लगाव रखते हैं, तो वही क्या चीज कहलाती है राष्ट्रवाद। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा। वहां के जो लोग थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इतने कॉन्सेप्ट जो थे लिबर्टी का हो, चाहे वो इक्वालिटी का हो, इन सब चीजों को फैलाने में भी मदद करी फ्रांस ने। इसके अलावा बाकी जो उधर कंट्रीज थी उनको भी राष्ट्र राज्य बनना था उसकी तरह ही। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी है। और पता है, इसके कोर में एक ही चीज रहती है, मतलब जो सेंटर है ना उसमें एक ही चीज होती है, आइडिया जो होता है वो यही है कि कोई जो पावर है हमारे ऊपर रूल कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पावर हमारे पर रूल ना करे, हमारा जो देश है वो हमारी आइडेंटिटी के हिसाब से चले, यानी हमारे हिसाब से चले। तो यही जो फीलिंग है ये राष्ट्रवाद की फीलिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हम भारत के अगर एस्पेक्ट में देखें तो सभी को पता ही है हमने कैसे हिस्ट्री शेयर की है, हमारे ऊपर किन किन लोगों ने रूल किया है, किस तरीके से रूल किया है और कहाँ पे क्या चीज का नुकसान हुआ है, सभी को पता ही है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना होती है, एकता की भावना तथा समान चेतना ही क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। प्रेम की भावना यानी लगाव हो जाता है अपनी कंट्री से, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं अगर कोई नुकसान पहुंचाता है उसको, उस क्षेत्र को कोई और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो हमें गुस्सा आता है और इसी बात को लेकर हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही मन मिटने को भी हम तैयार हो जाते हैं अपने देश के लिए, यही तो राष्ट्रवाद है ना, नेशनलिज्म। एकता की भावना, हम सब यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है, यानी हम सबकी बिल्कुल एक कॉमन अवेयरनेस होती है, मतलब हमारा राष्ट्र वाली फीलिंग जो होती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं। एक जैसे इनका हिस्ट्री होती है, पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल कह सकते हैं एनवायरनमेंट होता है, या फिर कल्चरल विरासत, यानी सांस्कृतिक विरासत मतलब एक जैसा कल्चर होता है। कई बार लोग क्या होते हैं, अलग अलग भाषा के भी होते हैं, जैसे कि भारत में बहुत अलग, जैसे कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो डाइवर्सिटी वाला देश है, यानी विभिन्नताओं वाला देश है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो अलग अलग आपको भाषा देखने को मिलेगी, अलग अलग धर्म के लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सबके बावजूद भी एक चीज जो हमें बांधे रखती है वो है राष्ट्रवाद की भावना। और इसमें भी क्या चीज आ जाती है, जब सब लोग एकजुट के काम करते हैं ना तो एकता वाली भावना आती है। अगर आप कोई नेगेटिव चीज करोगे ही नहीं तो फिर नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे, और जो आपकी सोसाइटी है वो भी नेगेटिव होगी ही नहीं। अगर आप पॉजिटिव चीजें करोगे, यानी आपका माइंड पॉजिटिव है, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो वो राष्ट्र भी पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यही वाली बात है राष्ट्रवाद की भावना। जैसे कि हमने देखा हमारी हिस्ट्री में, हम एक चीज देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, ठीक है, उसके बाद कितना ज्यादा शोषण हुआ यहाँ के लोगों का, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कितना ज्यादा नुकसान हुआ, एकदम खाली सा ही हो गया था, सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाने वाला देश, किस हालत में आ गया था कि यहाँ के जो रिसोर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कितने खराब कंडीशन में थे, और फायदा किसका, जो बाहर से लोग आए थे, फायदा सिर्फ उनका, हमारा क्या नुकसान, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है यही थी। तो ब्रिटिश रूल तो चला गया, लेकिन काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए, राष्ट्रवाद तो हो गया है, समझ लिया हमने, अब चलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में, और इसके पीछे क्या रीजन है पढ़ने का, राष्ट्रवाद से कैसे रिलेट करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रवादी भावना ही होती है जो युद्ध शुरू हुआ है ना, अपने देश के प्रति जो भावना होती है, और इसमें कितने लोग मारे गए थे, बहुत ही ज्यादा, और जितने औपनिवेशिक शासन थे ना उनमें, उनकी तो हालत इतनी बुरी हुई थी इस टाइम में, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि अगर इंडिया की ही बात करें यहाँ पर, तो इंडिया पे किसका रूल था, जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन था, उसका रूल था, ठीक है, ब्रिटिश का रूल था। तो ये भी तो इसका पार्ट थे वर्ल्ड वॉर का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी भारत के लोगों को जबरदस्ती उसमें
भर्ती करना शुरू करा अपनी आर्मी में, ये सब चीजें हुई। तो ये जो टाइम था, अब क्या यहाँ के लोग को क्या लगा कि चलो ठीक है हम इनका साथ दे देते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो क्या पता वर्ल्ड वॉर के बाद हमें आजादी ही मिल जाए। एक होप थी, क्योंकि सब कुछ चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन ये होप जो थी ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अभी वो वाला टाइम नहीं आया था जब गांधी जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। ये अभी वो टाइम नहीं आया था 1914 में, एक्टिव वाला टाइम नहीं आया था। अभी अवेयरनेस आ रही है, कांग्रेस बन चुकी है इस टाइम में, चीजें चल रही है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं चल रही थी कि एकदम से ही भाग खड़े हों वो यहाँ से, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक होप थी कि यहाँ के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है इनके साथ इनका साथ दे देते हैं युद्ध में, अपनी आर्मी भी भेज देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ यही कि इसके युद्ध खत्म होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, इन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं मानी। अब देखिए युद्ध के लिए उन लोगों को क्या चाहिए था, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्होंने क्या टैक्स लगाना शुरू कर दी यहाँ के लोगों पर, क्योंकि इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था पैसा चाहिए था। तो पैसा ऐंठने के लिए लोग क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, हमारे ऊपर टैक्स ही तो लगा सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, ठीक है, शुल्क बढ़ा दिया था, सीमा शुल्क इन्होंने बढ़ा दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, भारत के जो लोग थे उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा हाई कर दिया गया था, उसके जो रेट थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कीमत है उसमें भी इजाफा देखने को मिला, कीमत भी बढ़ा दी गई थी सामान की, मतलब मार्केट में बहुत ही महंगा सामान मिलने लगा था, लगभग दुगनी कीमत का हो गया था। और जो ग्रामीण एरिया है, गांव का एरिया है, वहां से सिपाहियों की भर्ती अब ज्यादा से ज्यादा की जाने लगी थी, और मोस्टली कहाँ से, पंजाब से, ठीक है, मोस्टली कौन से एरिया से, पंजाब से। और यही वो टाइम था जब फसलें जो थी वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई थी, और खाने की जो चीजें थी उनमें काफी ज्यादा कमी आ गई थी। इसके अलावा यहाँ एक चीज और देखने को मिली, महामारी की जो समस्या थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, फ्लू हो गया था, फैल गया था यहाँ पर, और लगभग 120 से 130 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो राष्ट्रवाद की भावना आने के लिए हम लोगों में और क्या चाहिए, जब हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती हमें कंट्रोल करेगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमें हमें भूखा रहना पड़ेगा, भूखा सोना पड़ेगा, और हमारी मतलब आइडेंटिटी ही खत्म होने कगार पे आ जाएगी, तो राष्ट्रवादी भावना तो उत्पन्न होगी ही ना, वही वाली चीज है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक्सपेक्टेशन थी कि इनके साथ अगर हम रहें तो फिर इसके बाद शायद ये हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे या फिर चले जाए यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, ठीक है। और लोगों की जो उम्मीद थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी, तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। कि नेक्स्ट हम देखते हैं सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्य पर आधारित, यानी जो ट्रुथ है, जो सच्चा सच्चाई होती है, यानी सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन था। और मोस्टली यहाँ पर किसकी बात होती है, महात्मा गांधी की बात होती है। तो अगर महात्मा गांधी की हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, कहां पर, गुजरात के पोरबंदर जगह पर, ठीक है, पोरबंदर शहर बोल सकते हैं, पोरबंदर शहर में। और अगर हम इनकी प्रोफेशनली बात करें तो ये क्या थे, पेशे से वकील थे, और सबसे ज्यादा इनको फेमस किस चीज के लिए माना जाता है, कि इन्होंने सत्याग्रह किया था, इनके आंदोलनों के लिए इनको जाना जाता है। तो इनका क्या था, मेनली दक्षिण अफ्रीका की बात आती है, दक्षिण अफ्रीका में भी, भारत में उन्होंने काफी आंदोलन किए, लेकिन इससे पहले ही दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे, और वहां पर मेनली किस चीज को लेकर था, रंग भेद को लेकर आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अब वापसी होती है इनकी वहां से 1915 में भारत, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी भारत वापस कौन से ईयर में आए थे, तो 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो वापस कब आए थे, 1915 में, और तभी इन्होंने आकर फिर रियलाइज किया कि यहाँ पे तो बहुत हालात खराब हैं, तो मुझे इस चीज के लिए कुछ करना पड़ेगा, और तभी आंदोलनों की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ की अगर हम बात करें, अब महात्मा गांधी ने क्या बोला कि सत्य और अहिंसा की उन्होंने बात की, मतलब उन्होंने ये बोला कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्यार से शांति से बात करके भी सामने वाले का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब उसका जो हार्ट है वो चेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इससे इत्तफाक नहीं रखते थे, या फिर कह सकते हैं कुछ लोग बिल्कुल भी इससे इस बात से एग्री नहीं करते थे। उनका कहना जिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है, यानी कांग्रेस का वो वर्ग, वो दल जो आपको पता ही बाद में अलग हो गया था। तो इनको क्या था कि गांधी जी की वो बात से अग्री नहीं करते थे, वो लाला लाजपत राय वाली फिलोसफी थी कि अगर सामने वाला आपसे उल्टा बोल रहा है तो जैसे गांधी जी की फिलोसफी थी कि एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो, पर वो कहते थे कि क्यों, हम तो वापस से पलट के उनको दो थप्पड़ और मारेंगे, तो वही वाली सिचुएशन थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की यहाँ पर बात की, और मेनली उन्होंने सत्य पर जोर दिया, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में,
राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रवाद में भी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि लोगों को जोड़ा है इन्होंने जगह जगह जाकर। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सत्याग्रह वाली लड़ाई करनी है, क्योंकि हम सच्चे हैं, हम सत्य हैं, तो एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। इनकी फिलोसफी यही थी कि सत्य जो है उसकी हमेशा जीत होती है, और सच्चाई के साथ चलते रहो तो फिर आपके साथ अच्छा ही होगा। टाइम जरूर लग सकता है लेकिन अच्छा होगा, इनकी फिलोसफी थी ये। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हो गई। अब इनके थोड़े से हम गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने की थी। मतलब वहां पर स्लाइड रहेगी, मतलब इसको यहीं पर ऐड कर देती हूँ। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया 1916 से 15 में ये वापस आए थे। ये डेट्स आपको याद रखनी है। इनकी जो वापसी हुई थी, जो वापस आए थे भारत, वो 1915 में आए थे। 1916 में इन्होंने बिहार के चंपारण में आंदोलन किया, सत्याग्रह किया यहाँ पर। ठीक है, यानी यह कह सकते हैं कि इनका पहला प्रयोग कहाँ पर था, ये बिहार के चंपारण में 1916 में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, जो बागान व्यवस्था थी वो किसानों के अगेंस्ट थी, तो उसके लिए उन्होंने लोगों के लिए काम किया और ये इनको एक तरीके से जीत भी हासिल इस चीज में हुई। ठीक है, 1917 की अगर बात करें तो गुजरात में खेड़ा जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में इन्होंने किसकी मदद की थी, किसानों की मदद की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे जो किसान थे उनको कर्ज को लेकर इशू हो रहा था, यानी फसल जो है उनकी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, तो वो चाहते थे कि जो सरकार है उनका कर्ज हटा दे। तो कर्ज जो है, कर्ज चुकाने को लेकर यहाँ पर बात थी, इशू था, जो कि सरकार नहीं मान रही थी। ठीक है, दूसरी बात थी महामारी हो गई थी, तो उस वजह से जो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी, तो यहाँ पूरी तरीके से उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी थी किसानों, क्योंकि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही थी। अगर हम बात करें 1918 की, तो यहाँ पर एक नाम आएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में इन्होंने किसके लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाई, उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर चीज हो गई होंगी। 1919 में यहाँ पर आएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग की, और इस तरीके से पूरी सीरीज सब चलती रहेगी। तो जो डेट्स आपसे पूछा जा सकता है, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है 1919 की। ठीक है, तो ये प्रस्तावित हुआ रॉलेट एक्ट, और इसको इस पे काफी डिस्कशन हुआ, लेकिन किसी भी भारतीयों की बात नहीं मानी गई, जो इंडियंस थे उनकी बात का विरोध ही किया गया। और इसका प्रावधान देख लेते हैं, सबसे पहले क्या था, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था, और भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जैसे 15, 16, 17, 18 में देखा कि जो गांधी जी के साथ मिलकर लोग अब विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली सिचुएशन लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार का मानना था कि इन गतिविधियों को, इन एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ के जो सिटीजन्स थे, भारतीय जो नागरिक थे, उनकी आजादी छीन ली गई एक तरीके से, और उनको सहमति के लिए बगैर पास कर दिया गया, यानी ये जो रूल पास कर दिया गया, जो एक्ट पास कर दिया गया, ये बिना किसी इंडियन के एग्री हुए पास कर दिया गया, यानी उनकी उनका उनके से पूछा भी नहीं गया कि ये चीज सही है या फिर नहीं है। और ये किसने किया था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसने बहुत ही जल्दबाजी में रूल पास किया था, और इसका रीजन यही था कि हमें एक रूल चाहिए जिसके थ्रू हम लोगों का दमन कर सके, और उनकी एक्टिविटीज पर रोक लगा सके, उनकी एक्टिविटीज को कुचला जा सके, तो मेन कारण यही था। तो ये सब चीज हमने देख लिया है कि उनको जेल में रखने वाली बात थी, तो एक तरीके से इनको सारे के सारे राइट मिल गए थे ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, अब कुछ डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट है यहाँ पर 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया गया। उसके बाद जो सिचुएशन थी वो चली आ रही थी, जगह जगह पर रैलीज हो रही थी, इसके अलावा जुलूस निकाले जा रहे थे, और हड़ताल के बाद हड़तालें चल रही थी, दुकानें बंद हो रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, मतलब जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे थे। इसके अलावा काफी जो राष्ट्रवादी भावना है ना, वो लोगों की बहुत अच्छे तरीके से जागने लगी, तो अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से डर गए थे, उन्हें लगा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है अमृतसर की, और यहाँ पर तो देखते हैं कि जलियांवाला बाग सिचुएशन है वो कैसे आगे बढ़ी। तो आपको ये भी याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है उसको काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून।
क्योंकि इसकी वजह से क्या था, कोई ऐसा कानून नहीं था जो किसी की भलाई के लिए हो, ये एक तरीके से दमन करने के लिए बनाया गया कानून था, तो सभी इसके अगेंस्ट थे, स्पेशली जो इंडियंस थे वो अगेंस्ट थे। तो जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो 10 अप्रैल को, जैसे कि आपको पता ही है कि इस कानून के विरोध में सब प्रदर्शन कर ही रहे थे, तो 10 अप्रैल में ये बात है अमृतसर की, वहां पर लोगों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई और इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर भी आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने गोली चलाई तो लोगों ने रिप्लाई में जो इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। अब मार्शल यही तो चाहते थे कि मार्शल लॉ ठीक तरीके से लागू हो जाए, अब ये लागू हो तो गया। और इसमें सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो किसके पास थे, जनरल डायर के पास। तो डायर का नाम आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग से ये रिलेट करता है, जनरल डायर जिसके पास सारी की सारी पावर थी, वो किसी भी तरीके से कहीं से भी दमन कर सकता था लोगों का। तो इसी तरीके से आगे एक डेट और आपको याद रखनी है आगे, जो कि आपकी मेन डेट 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 10 अप्रैल के बाद फिर लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे, बैशाखी का त्योहार का दिन था, और यहाँ पर जो जनरल डायर है सभी को पता ही ये बात तो कि मार्शल लॉ तो लागू हो ही चुका था, तो सरकार के पास पूरी तरीके से राइट्स आ चुके थे कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी मनमानी करने का। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग में पूरा एक मैदान था बंद, यहाँ पर लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुए थे इस एरिया में, और ऐसा कुछ भी वो प्लानिंग नहीं कर रहे थे, कुछ भी उनके पास हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन जनरल डायर वहां पर उसने एंट्री करी और फिर सबको, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, यंगस्टर्स कोई भी हो, सबको, सबके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया, मतलब फायरिंग शुरू कर दी गई। बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, और ये मेन इसके लिए इसने कारण क्या दिया डायर ने, कि मैं दहशत फैलाना चाहता था लोगों के मन में कि अगर तुम किसी जगह पे इकट्ठे हो रहे हो तो फिर इसी तरीके से तुम्हें चीजों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारी जान पे भी बना सकती है। तो इस तरीके से डराना चाहता था, एक नैतिक प्रभाव, उसने बोला इस शब्द को, एक नैतिक प्रभाव को डालना चाहता था सबके ऊपर, यानी सब लोग जो है वो भयभीत हो जाए, यानी सब डरने लगे, ठीक है, इस चीज के लिए इसने, कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी थी, अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, हमने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सरकार है वो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन जरूर लेगी जिससे हमें फायदा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्राप्त करने से मुकर जाना, यानी अंग्रेजों ने बोला था स्वराज से रिलेटेड, उनको आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ, स्वयं शासन के यहाँ पर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। रोलेट एक्ट जो है वो पारित हो गया, जिसकी वजह से लोग पहले से ही बहुत ज्यादा क्रोधित थे, या फिर कह सकते बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से तो आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि 10 अप्रैल को जो घटना हुई उसके बाद फिर 13 अप्रैल को घटना हुई, और बीच बीच में कुछ ना कुछ घटना होती ही रही, तो इसके बाद लोग पूरी तरीके से अब डर नहीं रहे थे, लोग और ज्यादा उनमें राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी, तो पूरा सामना करने के लिए एकदम तैयार थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की भी बात की गई कि हम असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं, इसका प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। साथ ही में खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपको पता ही है कि क्या हुआ था, ऑटोमन जो साम्राज्य था उसके ऊपर संधि थोपी गई थी, शांति संधि, और ये बात आ रही थी कि जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है, यानी इस्लामिक जो वर्ल्ड है, उसका जो आध्यात्मिक नेता है खलीफा, उसको पद से हटाए जाने के लिए और शक्तियां खत्म करने किए जाने से रिलेटेड बात हो रही थी। तो ये किसके हाथ में था, ये तो क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर जीते थे उनके हाथ में था, तो ये चाहते थे कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है, जो खलीफा का पद है उसको बनाए रखा जाए, उसको चेंज नहीं किया जाए, उसको हटाया नहीं जाए। तो इसी चीज को लेकर 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई, मार्च 1919 में, ठीक है, इसी चीज को लेकर क्या बनाई गई, खिलाफत समिति, और इसका लक्ष्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, कि जो खलीफा का जो उस टाइम के जो अधिकार है, शक्तियां हैं, उनकी रक्षा की जा सके। और इसमें मेनली जो नाम आपको याद रखने हैं वह मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, इन दोनों के अली बंधुओं के आपको नाम याद रखने हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावा 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की बात हमने कर ही ली है, जिसमें गांधी जी ने बात की कि खिलाफत आंदोलन और ये जो असहयोग आंदोलन है इनको हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग को अगर साथ में ला दिया जाए तो एक बड़ा आंदोलन बन सकता है, दोनों समुदाय के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस चीज को लेकर यहाँ पे आगे बात हुई। अब देख लेते हैं असहयोग वाली बात क्या थी। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक फेमस बुक है, जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार के असहयोग पर जोर दिया गया, क्योंकि असहयोग की बात हुई है तो हिंद स्वराज जो ये जो बुक है इसको मेंशन करना तो बनता ही है।
इसमें असहयोग पर बात की गई। तो गांधी जी ने इस चीज के बारे में बोला था कि हम लोग साथ में मिलकर सहयोग करेंगे एक दूसरे का। और असहयोग किसके लिए था कि जो ब्रिटिश रूल है उसके सारे जो इंस्टीट्यूट है वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं वो सब हट जाएंगे तो अपने आप ही चीजें सही हो जाएंगी। अब असहयोग की जो बात थी वो क्या थी? असहयोग की शुरुआत होती है और इसमें सबसे पहले रखा जाता है पदवियां छोड़ने का, ठीक है, यानी हमारे जो हमें जो पदवियां दे दी गई हैं उनको हम वापस कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि हमें सरकार से जो चीज चाहिए सरकार हमें वो आजादी तो दे नहीं रही है, हमें उल्टा हमें काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसके अलावा हमारे हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, तो हम पदवी लेकर ही क्या करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको छोड़ने की बात की गई लोगों द्वारा, आर्मी छोड़ने की बात की गई, इसके अलावा इन सबका बहिष्कार करने की बात की गई, ठीक है। बहिष्कार वर्ड का मतलब होता है कि हम सपोर्ट आपको अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम ये चीज छोड़ रहे हैं, हम इस चीज का त्याग कर रहे हैं। तो पदवियों का, गवर्नमेंट जॉब्स का, आर्मी का, इसके अलावा अदालत हुई, कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उसको छोड़ने की बात की गई, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस छोड़ने की भी बात की गई, और इसके अलावा जो विदेशी सामान है उसको भी यूज नहीं करेंगे ये भी बोला गया। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो अगर जो सरकार है वो लोगों को का दमन करती तो ये जो आंदोलन है ये और ज्यादा बड़े उस पर फैल जाता। तो इस वक्त क्या था, इस वक्त जो गांधी जी और जो शौकत अली और ये जो दोनों बंधु थे ये आपस में इस चीज को करने के चक्कर में थे कि हम जो है वो पूरी पूरे देश में यात्रा करेंगे और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात आती है, वो ये आती है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की सोच के लोग होते हैं, तो कांग्रेस वैसे तो बोला गया था कि जो इलेक्शंस होंगे विधायी परिषद में हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बात हो रही है नवंबर 1920 की। तो कुछ जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा कि हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे चुनाव वाले बात को, तो उनको बहुत एक तरीके से कंफ्यूजन था कि जो विधायी परिषद वाला है इसको हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम यहाँ से भी चले जाएंगे हमें कोई थोड़े बहुत जो राइट मिल रहे हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे, तो यही वाली सिचुएशन थी। तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत एक खलबली सी मच रही थी, कुछ लोग सपोर्ट में थे कुछ लोग सपोर्ट में नहीं थे इस चीज के। तो अब बात करते हैं नागपुर अधिवेशन की। अधिवेशन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि ये वाला जो अधिवेशन है इसमें क्या चीज हुई थी, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो अधिवेशन है कौन से डेट में हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, ठीक है, कांग्रेस का ये अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। और फाइनली इस अधिवेशन में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है, कह सकते हैं समझौता हुआ, जिसमें असहयोग जो आंदोलन है यानी असहयोग जो आंदोलन करने की बात हो रही थी इसके ऊपर उनको स्वीकृति मिल गई, ठीक है, यानी एग्री इस पे सब लोग कर गए, असहयोग जो आंदोलन हुआ। अभी आपको पता है कि 1921 में जनवरी में असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है वो एक साथ चलने लगे, ठीक है, इसकी आप शुरुआत मान सकते हैं, इसका आरंभ मान सकते हैं। तो मेनली असहयोग जो आंदोलन था एक तरीके से किस उसका मेन लक्ष्य क्या था, स्वराज प्राप्ति का, ठीक है, उन्होंने स्वराज प्राप्ति की बात की, स्वराज की वजह से तो उन्होंने बाकी चीजों का बहिष्कार कर दिया था, तो वही सब चीजें थी। देखते हैं आंदोलन तो हुआ जगह जगह पर लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो क्या क्या पड़ा शहरों में और गांव में, मतलब किस तरीके से शहरों में ये चीजें चल रही थी, किस तरीके से ग्रामीण भारत में ये चीजें चल रही थी। तो शहरी अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल क्लास की यानी मध्यम वर्ग की। तो मध्यम वर्ग ही तो वो वर्ग था जो कि सबसे ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। तो इस आंदोलन की अगर हम शुरुआत करें तो शहरों मध्यम वर्ग से शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, इसके अलावा जो टीचर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। इसके अलावा मद्रास की अगर हम बात करें, सेकंड चीज यहाँ पर मद्रास देखने मिलेगी, मद्रास में भी बहुत सारे जो लोग थे बहुत वकील वगैरह थे वो हट चुके थे। और यहाँ पर मद्रास में क्या चीज हुई, मद्रास के अलावा ज्यादातर जो प्रांत थे वो चुनावों से बहिष्कार कर चुके थे, लेकिन मद्रास में कुछ कह सकते हैं कि गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई एक जस्टिस पार्टी थी, उसका क्या मानना था कि काउंसिल में अगर उनको काउंसिल में जाने की वजह से अगर उन लोगों को थोड़े से राइट्स मिल जाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो यही वाली सिचुएशन थी। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वही वाली जो मैंने आपको बात बताई थी वही सिचुएशन यहाँ भी देखने को मिल रही है कि
एक तरीके से बहिष्कार तो करना चाहते हैं, यानी उस चीज को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन में है, तो वही वाली सिचुएशन यहाँ देखने को मिली। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और चीजों पे असर पड़ा, जैसे कि काफी टाइम तक तो ये सब चीजें सही चलती रही, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब हालात बदलने लगे। ये टाइम था 1921 से 1922 के बीच में। क्या हो गया था कि क्योंकि लोग बाहर के जो कपड़े थे उनको पहन नहीं रहे थे, तो जो विदेशी आयात है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। यानी क्योंकि यहाँ पे लोग कपड़े पहन नहीं रहे, तो वो कपड़े लाके यहाँ पर करेंगे क्या। और कीमत में इतना बदलाव आया कि 102 करोड़ की कहाँ बात चल रही थी उनकी, और वो कितने पर आ गया, 57 करोड़ पर। ठीक है, तो इतना लॉस उनका हो चुका था। तो ये सब चीजें चल तो रही थी, लेकिन ये जो चीजें हैं वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि अगर कपड़े की बात करें तो जो हथकरघा इन्होंने बोला था कि हाथ से बुने हुए हम कपड़े पहनेंगे और ये सब सिचुएशन होंगी, लेकिन हथकरघे के थ्रू, मतलब अगर हाथ से बनाई हुई चीज होगी उसका जो उत्पादन होगा, एक तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, दूसरा क्योंकि हाथ से बना हुआ कपड़ा तो थोड़ा महंगा भी होगा क्योंकि उसमें और कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आई कि ये चीज तो फेल होने लगी धीरे धीरे, कि बाहर का जो कपड़ा है वो नहीं पहनेंगे, वापस से पहना जाने लगा, क्योंकि भारत का जो कपड़ा था वो लोगों को काफी महंगा पड़ रहा था, और जो क्लास थी कपड़ा पहनने वाली इस तरीके का वो इतने ज्यादा हाई प्रोफाइल क्लास थी नहीं। तो क्या होता, फाइनली वो वही अपनी चीजों पर आ गए। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सबके सब इनको भी वापस से अपने कामों पर लौटना पड़ा। खादी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनकर आया। खादी जो है क्योंकि खादी कपड़ा महंगा था, तो महंगे कपड़े कोई कैसे इतना खरीद सकता है, जबकि बाहर का जो अंग्रेजों वाला जो कपड़ा था वो कोई गरीब आदमी भी इजिली पहन सकता था। इसके अलावा जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स, वो वापस उनको स्कूल में जाना पड़ा। वकील थे, वो दोबारा से अदालत में दिखाई देने लगे। इसके अलावा गाँव में अब सिचुएशन देखते हैं क्या थी। तो इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चलाया गया था, तो उनको पहले से ही कुछ इंतजाम करना चाहिए था ना, कि हमारे लोग, मतलब हम जो इंडियंस हैं, ये कहाँ पर, मतलब ऑप्शन ढूंढना चाहिए था कि अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। तो वो वाली सिचुएशन तो सॉर्ट आउट हुई नहीं, और ये बोल दे घर में बैठ जाओ, तो ये वाली सिचुएशन कब तक चलने वाली थी। तो ये चीजें फेल होने लगी। अगर हम दूसरी बात करें कि ग्रामीण एरिया पे इसका क्या असर पड़ने वाला था, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अवध की। ठीक है, लोग भी बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भाग ले रहे थे, क्योंकि किसानों को प्रॉब्लम थी। यहाँ पर किसानों को लेकर जो रूल्स बनाए गए थे उससे किसान बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। इसके अलावा जो आदिवासी लोग थे उनको भी काफी ज्यादा नियम कानून उनके ऊपर लागू कर दिए गए थे, आंदोलन उन्होंने भी करना शुरू करा। तो अवध में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना है, रामचंद्र, सन्यासी बाबा रामचंद्र। ठीक है, इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया वहां पर, क्योंकि ये किस चीज के लिए बोलते थे, आपको एक नाम याद रखना है, गिर मिटिया। ठीक है, गिर मिटिया मजदूर। ये जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, ये पहले गिर मिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब गिर मिटिया मजदूर क्या थे, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करके दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता था काम करवाने के लिए, और बोला जाता था वहां से तुम आ जाओगे इतने साल बाद, लेकिन ये लोग कभी भी वापस नहीं आ पाए, और जिन्होंने आने की कोशिश करी उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया, या फिर ये सब उनको हालात झेलने पड़े थे। तो क्या था, ये जो आंदोलन था ये किसके अगेंस्ट था, जमींदारों के लिए, मेनली उनके अगेंस्ट था, क्योंकि जो लगान की समस्या थी वो हर जगह ही देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर भी लगान की समस्या थी। लगान की समस्या बहुत ज्यादा थी, और जमीन, मतलब जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था यहाँ पर। तो मेनली जो जमींदार है और जो तालुकदार है उनको उनको उनके अगेंस्ट था ये आंदोलन। ठीक है, अब इनके अधिकारों को तो कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े लोग हैं, जमींदार हैं, तो ये अपने आप से अपना शेयर पहले से अंग्रेजों को दे देते दे थे, तो अंग्रेज इनको क्यों कुछ कहेंगे, वही वाली सिचुएशन थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1920 की। यहाँ पर एक नाम और आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये चीज आपको किस लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको एक और नाम याद रखना है, वो है आपका मेन अवध किसान सभा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, कुछ और लोग थे, उन्होंने एक साथ मिलकर किस चीज का गठन किया, अवध किसान सभा का। ठीक है, कब, अक्टूबर में अवध किसान सभा का उन्होंने क्या किया, गठन किया, और इसमें वही सब था जो राइट्स वगैरह हैं उन सब चीजों के बारे में बात की गई। ठीक है, तो काफी ज्यादा लोग इनसे जुड़ने लगे, इसकी ब्रांचेस बनने लगी, जगह जगह पर लोग एक दूसरे से इस चीज के बारे में बात करने लगे, और कोशिश की गई कि इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, किसान ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो। ठीक है, और ये लोग, अब ये जो बड़े बड़े जमींदार थे इनके घरों पर भी अटैक करने लगे थे, लूटपाट करने लगे थे, वहां से गोदाम जो थे उनको खाली करने लगे थे, अनाज वहां से
लेकर आने लगे थे, तो यही हालात थे। ठीक है, अब हम दूसरे सिचुएशन यहाँ पर बात करेंगे। ये गांव वाला ही सेक्शन चल रहा है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये यही वाला सेक्शन है। अवध की बात कर चुके हैं हम, इसके अलावा हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपको गुड़ेम पहाड़ियों में 1920s की बात है, 1920 के दशक में लगभग एक गोरिल्ला आंदोलन फैला था यहाँ पर। ठीक है, क्या? गोरिल्ला आंदोलन। अब यहाँ पर क्या था, जो आदिवासी थे उनको जैसे कि बताया ही गया है, जब यहाँ पर बात पहुंची गांधी जी के जो थॉट्स है वो यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक पहुंचे, यहाँ के आदिवासियों तक पहुंचे, गांधी जी स्वराज की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस इस तरीके की चीजों में कभी जल्दी से सामने नहीं आई डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन ये जो लोग थे पूरे तरीके से अगेंस्ट थे। जो भी इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि तुम्हें जंगलों में एंट्री नहीं करने दे सकते, जानवरों को ले जाने नहीं दे सकते, जो लकड़ी वगैरह तुम कलेक्ट करते हो, फ्रूट्स लेते हो वहां से, वो भी कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिक्टली जो फॉरेस्ट जो रूल है वो लागू कर दिए गए थे, तो ये लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो खाने की भी तंगी इनके पास अब हो गई थी, क्योंकि इनके पास तो ट्रेडिशनल चीज वही थी, तो इनके एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो राइट्स थे, परंपरागत इनके जो अधिकार थे, वो भी इनसे छीन लिए गए थे, तो इनको क्या करना पड़ा, जबरदस्ती अगेंस्ट इनके जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस आंदोलन के बाद नाम आपको याद रखना है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, जिसके लिए कहा जाता है कि इनके पास अपनी दिव्य शक्तियां थी कि इनको गोली भी मारो तो भी गोली इनको छू नहीं सकती थी, इस तरीके की कुछ चीज थी कि भगवान का जो आशीर्वाद इनके ऊपर है। तो ये जो थे ये भी पूरे तरीके से अवेयर थे इस चीज को लेके, और मेनली जो शराब की प्रॉब्लम थी उसके लिए, उसको छोड़ने के लिए भी इन्होंने आगे बात करी। ठीक है, तो यही चीज है, क्योंकि सीताराम राजू जो है, अल्लूरी सीताराम राजू का भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा आंदोलन में, तो 1924 में इनको भी फांसी दे दी गई। कि भाई जो भी ऐसा इंसान उभर कर सामने आ रहा है राष्ट्रवादी भावना से भरा हुआ एकदम, कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा और पूरे तरीके से तुम्हारा विरोध करूंगा, ऐसे लोगों को इन्होंने सबसे पहले रास्ते से हटा दिया, उसको फांसी दे दी उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर, तो यहाँ पर असम है, असम में जो बागान मजदूर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं आ गई थी, उनके जो राइट्स थे वो एक तरीके से खत्म कर दिए गए थे। अब यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, 1859 में क्या आया था, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया था कि जो बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बिना परमिशन के नहीं जा सकते वहां पर, मतलब एक तरीके से उनको रिस्ट्रिक्शन में ला दिया गया था कि आपके ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन है कि आप बिना परमिशन के इधर उधर कहीं भी तुम नहीं जा सकते, तो ट्रेडिशनल जो राइट्स है लोगों के वो एक तरीके से छीन लिए गए थे। तो 1859 का आपको इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट याद रखना है, जिसके थ्रू काफी ज्यादा बागान नियमों में चेंजेस कर दिए गए थे। तो यही था, जो मजदूर थे उनको जबरदस्ती काम करना पड़ता था, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश करते थे तो पुलिस वाले उनको पकड़ लिया करते थे। ठीक है, तो बागान में ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, चलिए आगे देखते हैं नमक यात्रा की तरफ और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था ये। अब आपको पता ही है कि 1922 में जो ये सब चल रहा था, उस वक्त फरवरी में महात्मा गांधी ने बोला कि हम जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले रहे हैं, क्योंकि जो आंदोलन है काफी ज्यादा हिंसक होता चला जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसे वापस लेना ही सही है और जो सत्याग्रही है उनको अपने अपने पास, मतलब तुम वापस चले जाओ अभी फिलहाल के लिए, दूसरे तरीके से हम बाद में देखेंगे क्या करना है। तो कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो अब थक चुके थे इस चीज से, उनका मानना था कि क्या हालात हो रहे हैं ये, क्या मतलब प्रेशराइज, हमें ही प्रेशराइज किया जा रहा है वापस से, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सके। तो आपको पता ही है 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसके जो तहत क्या चीज की गई थी, जो प्रांतीय परिषद है उसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये बात बोली गई थी। तो अब ये सब हालात में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उसी वक्त क्या किया गया, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने बोला कि ऐसा लोकतांत्रिक संस्था हमें कोई भी नजर आ ही नहीं रही है, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं हम खुद की अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो इन्होंने मिलकर किसकी स्थापना की, स्वराज पार्टी की, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कर डाला इन्होंने, ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने मिलकर
राजनीति वापस लौटने के लिए बोला कि कांग्रेस के अंदर ही हम एक स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं, तो ये चीज की गई। इसके अलावा एक एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था वो भी अलग से एक्टिव था, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे, जो कि थोड़ा कहते थे कि हम आराम से बात करने में नहीं रखते हैं। अब एक चीज और हुई यहाँ पर, ये सब हालात तो चल ही रहे थे, लेकिन सविनय अवज्ञा जो है, सविनय अवज्ञा का मतलब है कि हम तुम्हारी चीज नहीं मानेंगे, तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, और बिल्कुल विनय पूर्वक हम तुमसे ये बात कर रहे हैं, यानी विनय के साथ तुमसे ये बात कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो ये आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला था। अब इसके रीजन देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहला तो था, इतनी सारी हालात खराब हुए थे उसकी वजह से आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी थी। ये 1926 में जो है किसानों की हालत खराब होने लगी थी, और ये सिचुएशन आते आते महामंदी जो कि 1929 मेन माना जाता है ईयर आर्थिक मंदी के लिए। तो 1919 की बात करें चाहे 1929-30 की बात करें, 1930 दोनों में ही हालात जो है पूरी तरीके से खराब हो गए थे, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, और इंडिया में भी हालत कुछ ऐसी ही देखने को मिली कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन में भी अब बहुत ज्यादा गिरावट आने लगी थी। किसान बहुत ज्यादा कैसे हो गए थे कि उनको जितने पैसे में उनकी फसल बिक रही है उतने में ही बेचने को तैयार हो गए थे। ठीक है, तो लॉस तो होना ही था फिर ऐसे में। तो सरकार जो है वो एक चीज और कर रही थी, जो टैक्स था, जो कर था, उसने भी कोई कमी नहीं कर रही थी। उनसे हजार बार बोला जा रहा था कि टैक्स हटा दो क्योंकि प्रॉब्लम है, तो लेकिन वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था। तो इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिली। ठीक है, दूसरा रीजन इसका देखे सविनय अवज्ञा का, पहला रीजन तो था ये आर्थिक मंदी, और दूसरा रीजन क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो लोगों ने इसका वेलकम कैसे किया था, साइमन गो बैक बोल के, यानी तुम वापस चले जाओ, क्योंकि सबको पता ही था कि रूल्स सब अपने हिसाब से बनाते हैं, तो ये जो अपनी पॉलिसी बनाने के लिए बात कर रहे हैं ये कहाँ हमारे हिसाब से बनेगी। तो ये सिचुएशन हुई क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शंस के बाद जो टोरी सरकार आई थी उसमें ये नाम था साइमन का, सर जॉन साइमन। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भेजा गया था किस चीज के लिए, संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए, संविधान से रिलेटेड चर्चा करने के लिए कि भाई तुम सविनय सॉरी तुम आप स्वराज मांग तो रहे हो लेकिन करोगे क्या, चीजें कैसे करोगे। तो साइमन कमीशन आया, सर जॉन साइमन को यहाँ पर भेजा गया 1928 में, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी वो रास नहीं आ रहे थे। मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने भी उनका पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, फिर गोलमेज की बात हुई कि गोलमेज सम्मेलन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर एक डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, 1929 में। ठीक है, 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, मतलब औपचारिक तौर से लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था, जो भी डिसीजंस लिए जाने थे उनमें काफी ज्यादा रोल इनका होने वाला था। क्या बोल रहे, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और ये ऑफिशियली पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की गई थी, यानी पूर्ण स्वराज जो है उसको औपचारिक रूप से एक तरीके से मान लिया गया था, ये कह सकते हैं कि जो चीज है इसको मान लिया गया था, पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज में अब हम बिलीव करते हैं और इसी को हम लेकर रहेंगे, और गांधी जी का तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल था ही। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक चीज याद रखनी है कि इन सब इस पूरे वक्त में एक घटना और घटित हुई थी लाला लाजपत राय को लेकर। लाला लाजपत राय, इनको लाठी चार्ज किया गया था, यानी लाठी से इनको मारा गया था, और इतना मारा गया था कि इनकी लाठी चार्ज से ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज थी। अब हम बात करते हैं नमक यात्रा की। तो सविनय अवज्ञा चीज तो चल ही रही थी, ये तो होना ही था कि हम चीजें नहीं मान रहे हैं, अवज्ञा करनी है, लेकिन नमक यात्रा ये कैसे इंपॉर्टेंट थी ये देखना है यहाँ पर। एक तरीके से जो अंग्रेज थे
उनके जो बनाए हुए नियम कानून थे उसका उल्लंघन करना था हमें। क्या करना था? उनको, उनसे आगे बढ़ना था, उनको तोड़ना था, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगा रखा था किस पर? नमक पर भी। तो नमक पर भी अगर टैक्स बेसिक से चीज पर लगा हुआ तो क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले ही बोल दिया गया था गांधी जी द्वारा कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक लास्ट चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने जो लेटर लिखा था इरविन को, इस लेटर में उन्होंने, देखिए डेट बता देती मैं आपको, 1930 में, और डेट क्या है ये, 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को इन्होंने किसको, वायस राय कौन था उस वक्त, इरविन, ठीक है, उसको एक लेटर लिखा था। और इस लेटर में उन्होंने पूरी की पूरी 11 डिमांड्स अपने सामने रखी थी, ठीक है, कि मेरी जो 11 डिमांड्स है उनको तुम मान लो। लेकिन इरविन ने उन सब डिमांड्स को आगे नहीं माना, तो क्योंकि डिमांड नहीं मानी गई तो फिर आगे हालात तो खराब होने ही थे। तो वही वाली बात हुई, यात्रा शुरू की गई, ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। और उन्होंने इनको टाइम भी दिया था, 31 जनवरी को इन्होंने लेटर लिखा था और बोला था कि अगर 11 मार्च तक ये सब चीजें तुम नहीं कर पाते हो, मेरी डिमांड्स को तुम नहीं मान पाते हो, तो फिर मैं सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसको शुरू कर दूंगा, और फिर इसके लिए तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ। लेकिन क्योंकि डिमांड को माना तो गया ही नहीं, तो अब महात्मा गांधी को एक्शन लेना ही था। तो उन्होंने क्या किया, दांडी यात्रा शुरू कर दी 78 लोगों के साथ, ठीक है, 78 लोग थे, यानी 78 वॉलंटियर्स थे उनके साथ, जो कि काफी लंबा सफर तय करते थे। और ये यात्रा शुरू कहां से की गई, साबरमती आश्रम से, ठीक है, कहां से शुरू करी गई, साबरमती आश्रम से, और ये होने कहां तक थी, दांडी तक, ठीक है। 24 दिन तक लगातार ये लोग चलते रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 24 दिन तक यात्रा लगातार चलती रही। और फाइनली 6 अप्रैल को कहां पहुंच चुके थे, वो दांडी पहुंच चुके थे, और वहां पर जाकर समुद्र में जो पानी है उसको उबाल करके क्या बनाया गया, नमक तैयार किया गया। इस तरीके से उन्होंने नमक कानून को का उल्लंघन किया, यानी हम अब अवज्ञा कर रहे हैं, यानी आपकी आज्ञा को मान नहीं रहे हैं, उन्होंने नमक बनाया। और इसके लिए क्या हुआ कि गांधी जी ने बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए, यानी उनके लिए आंदोलन करने के लिए ज्यादा लोगों को जोड़ने की यहाँ पर बात करी। कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें जो है उनको बंद कर दिया गया, ठीक है, यही वाली सारी चीजें थी 1930 के अप्रैल तक, ठीक है। अब क्या कर दिया, सड़क पर उतर आए और जो सरकार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। और प्रोटेस्ट क्यों किया लोगों ने इस टाइम में, क्योंकि गांधी के साथ जो थे उनके कह सकते हैं उनके साथ ही थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अब गोलमेज सारे डिमांड्स के बीच, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच में 5 मार्च 1931 में इरविन के साथ समझौता हुआ गांधी जी का, और इसी समझौते को ही गांधी इरविन समझौता बोला जाता है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। और इसमें एक तरीके से एग्रीमेंट किया गया था कि जो सेकेंड गोलमेज होना है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट अब किया जाएगा। तो दिसंबर 1931 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी कहां गए थे, लंदन गए थे, ठीक है। और जो उनकी जो वार्तालाप, उनकी जो बातचीत है, जो कॉन्वर्सेशन थी, वो बीच में ही टूट गई थी, बीच में खत्म हो गई थी, तो उनको वापस ही लौटना पड़ा, यानी कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर नहीं निकल आया, ठीक है, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाए। फाइनली जवाहरलाल नेहरू और जो गफ्फार है वो दोनों ही इस वक्त कहाँ पर थे, जेल में थे, ठीक है। कांग्रेस को इन्होंने सरकार ने क्या घोषित कर दिया था, एक गैर कानूनी संस्था या फिर गैर कानूनी पार्टी इन्होंने कांग्रेस को घोषित कर दिया था। तो अब क्या होना था, सविनय अवज्ञा जो रोक दिया गया था वो फिर से शुरू होने वाला था, ठीक है। नमक कानून जो है उसको तोड़ दिया गया था, तो वैध तरीके से लोग इस चीज का प्रयोग करने लगे थे नमक का, और टैक्स नहीं देने वाली बात, ये सब चीजें आगे आने लगी थी।
और इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था किसान ने, छोटे किसान और मजदूर, छोटे मजदूर और औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग थे उन्होंने कम पार्टिसिपेट किया। किसानों में भी जो गुजरात के जो किसान थे, इसके अलावा जो यूपी किसान थे, वो काफी ज्यादा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अगर हम औद्योगिक विकास की बात करें भारत में, तो यहाँ पर 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, ठीक है, इसका गठन हुआ। इसके साथ ही अगर 1927 की बात की जाए तो यहाँ पर फिक्की का गठन किया गया, ठीक है, किस चीज का, इसको कह सकते हैं हम उद्योग परिसंघ, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका फिक्की का यहाँ पर गठन किया गया, जिसमें कि मेन नाम थे पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ठीक है, जेडी बिड़ला जैसे जो लोग थे, उन्होंने काफी ज्यादा इस फील्ड में काम किया और भारत की जो इकोनॉमी है उसको इस टाइम में भी, जिस टाइम में अंग्रेज हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हुए थे, थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। आर्थिक मंदी का समय तो उस वक्त चल ही रहा था। आगे हम बात करें गोलमेज की, तो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनमें भी आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ डेट्स मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से कब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो दोबारा से कब शुरू हुआ, तो 1932 में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दांडी यात्रा का आपको पता ही कब शुरू हुई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च में वापस ले लिया गया था, ठीक है। अब औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति देखने को मिल रही थी। अब चाहे वो छोटा नागपुर के खान वाली बात हो, वहां पर भी लोग क्या कर रहे थे, रैलियों में जा रहे थे, और इसके अलावा बहिष्कार करने को वहां पर मिल रहा था, पर वही छोटे लेवल पर औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। जो श्रमिक वर्ग था, जो छोटे लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और स्पेशली हम नागपुर की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो छोटे मोटे मजदूर थे, उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया, कुछ बहुत ही ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिला। किसान और मजदूर, किसान जो वर्ग था वो मेन था इस, कह सकते हैं, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाला, ठीक है। अब हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं ने भी इसमें काफी पार्टिसिपेट किया, जबकि जो गांधी जी थे वो क्या करती कि जो महिलाएं हैं उनका काम घर की सिचुएशन देखना होता है, घर चलाना होता है, घर संभालना होता है, और वो अच्छी माँ और अच्छी पत्नी अगर बने तो ही अच्छा है, ठीक है, ये वाली बात उन्होंने बोली थी कि यही उनका असली कर्तव्य है। गांधी जी का कहना था जो महिला उन्हें घर पर रहना चाहिए, उनका काम घर पर ही संभालना चाहिए, लेकिन सिचुएशन देखने को मिली कि जो महिलाएं थी उन्होंने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें काफी ज्यादा अपना रोल प्ले किया। सविनय अवज्ञा जो थी उसकी कुछ सीमाएं भी थी, ठीक है, जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ एक वर्ग की, एक ऐसा समूह जिसको बिल्कुल भी आजादी नहीं थी और जिसको दलित वर्ग कहा जाता है, ठीक है, जिनके जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, वो काफी ज्यादा लिमिट कर दिए गए थे, तो इसको लेकर भी काफी विवाद होने लगा था। और इसके बारे में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो महिलाएं हैं उनके राइट्स के लिए यहाँ पर बात उठाई, और इसके अलावा जो दलित है, दलित वर्ग के जो अधिकार है उनको लेकर उन्होंने बात की। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात नहीं थी कि यही सिचुएशन है, उन्होंने गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का मानना भी यही था कि जो ये वर्ग है इस वर्ग को कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति मिल जानी चाहिए, तो इन्होंने हरिजन वर्ड का यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो अगर हरिजन वर्ड बोला जाए तो हरिजन वर्ड दलितों के लिए इन्होंने यहाँ पर यूज किया, किसने, गांधी जी ने। और दूसरी तरफ ये भी बोला करते थे कि जो इंसान जो काम कर रहा है वो उसके हिसाब का ही है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि दोनों सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती जा रही है। हालांकि उन्होंने मंदिर में जाने, तालाब वालाब और जो भी सिचुएशन, पुराने हालात थे उनको सुधारने की कोशिश की, और काम में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, ठीक है, तो लेकिन वही वाली बात है, उस सिचुएशन में कुछ टाइम तक ये हालात रहे, लेकिन उसके बाद फिर वो जो सिचुएशन है वो बदलती चली गई। इन्होंने गांधी जी ने सोशल इक्वालिटी की बात करी, ठीक है, कि अगर सोशली इक्वालिटी होगी तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी, अगर आप सोशली इक्वालिटी का भाव नहीं रखते तो फिर कहीं भी इक्वालिटी का भाव आप कैसे रख पाओगे, इसलिए सोशली इन्होंने इक्वालिटी के बारे में बात करी। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने काफी सारी चीजें डिसएग्री कर दी थी,
तो पूना पैक्ट अगर आपको याद होगा तो पूना पैक्ट के बारे में भी आपको बता देती हूँ मैं। पूना पैक्ट जो कि हुआ था सितंबर 1932 में, ठीक है, इस पर सिग्नेचर हो गए थे और इसमें डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी शामिल थे। मतलब जो बातें हुई थी वो इनकी हुई थी। अब हुआ ये था कि 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को का गठन किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला था कि जो दलित वर्ग है उसके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की उन्होंने मांग उठाई थी, जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन की भी यहाँ पर बात हुई थी, बहस हुई थी। लेकिन जब जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अंबेडकर जी की बात मान ली थी, ठीक है, उसको स्वीकार कर लिया था, तो गांधी जी जो है वो अनशन पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से अग्री नहीं करता, और उनके उसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि जो भारत है उसमें उसका जो एकीकरण है वो खतरे में आ जाएगा, कि भारत की जो यूनिटी है वो खतरे में आ जाएगी। हम सब लोग एक ही हैं तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, और इक्वालिटी बिल्कुल इक्वालिटी है, और इक्वालिटी के बारे में आगे बात करेंगे, चीजें करेंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं इस चीज को करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। तो अम्बेडकर जी ने क्या बोला यहाँ पर कि गांधी जी जो है आप इस चीज को मान लो। लेकिन जब अनशन पर भी बैठ गए, काफी सिचुएशन हुई, पर फाइनली वो हालात ये आ गए कि जो अंबेडकर जी, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। तो इस चीज को लेकर 1932 में पूना पैक्ट पर दोनों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या डिसाइड हुआ, इसके बाद ही, इस पूना पैक्ट के बाद ही अनुसूचित जाति वर्ग, ये जो पूरी स्टेटमेंट है यानी एससी वाला जो स्टेटमेंट आता है, कैटेगरी जो है वो इसके पूना पैक्ट के बाद ही बनाई गई थी, ठीक है। इनको एक कैटेगरी में शामिल कर दिया गया कि अब ये कैटेगरी जिसको कहा जाता है अनुसूचित जाति वर्ग, इस नाम से जान दिया गया, जिसके अंदर पॉलिटिकली ये जो एससी वर्ड आया था ये पॉलिटिकली बताने के लिए था एक वर्ग को, कि पॉलिटिकली आप कुछ राइट दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसको सोशली यूज किया जाता है आज के टाइम में, लेकिन ये पॉलिटिकली एक टर्म है, ठीक है, ताकि पता चले कि कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ रिजर्वेशन दिया गया है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज हुई थी इस चीज में, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इसमें क्या गया, क्या गया, क्या किया गया था, प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में रिजर्वेशन दे दिया गया था, ठीक है, यानी सीट दे दी गई थी। वैसे तो पूरे तरीके से अलग करने की बात की जा रही थी, लेकिन जब ये पैक्ट हो गया पूना पैक्ट, उसके बाद फिर रिजर्वेशन दे दिया गया था कि इतने जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज ऐसे करते करते आगे बढ़ी, और कांग्रेस में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था इस चीज के ऊपर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था लेकिन वो बाद में सॉर्ट आउट हो जाता। तो भारत में भी काफी सारी चीजें हुई, जैसे कि जो मुस्लिम थे उनको लेकर यहाँ पर बात उठी। अब उन्होंने भी बोला कि भाई हमें भी अलग से अपने राइट्स चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने भी इस चीज को की बात की। और ये जो अवज्ञा, सविनय अवज्ञा चला था इसमें, जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने कुछ खास कह सकते हैं एंथुसियाज्म या फिर कह सकते हैं उत्साह दिखाया नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो खिलाफत आंदोलन है वो थोड़ा शांत पड़ी गया था, तो जो ये जो मुसलमान वाला जो तबका है, ये जो कांग्रेस के साथ जो लगे हुए थे वो थोड़े से उनसे हटने लगे, क्योंकि उनको लगने लगा कि हमारे यहाँ पर कुछ हमारे बारे में ज्यादा बातें हो नहीं रही, हमारे राइट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, तो उनको ऐसा लगने लगा कि हमें थोड़ा साइड में ही हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी ये बातें नहीं मानी जा रही हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेके कांग्रेस के साथ उनके बीच में जो रिलेशन है वो खराब होने लगे, और यहीं से हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक टकराव है वो एक तरीके से शुरू हो गया, और दंगे भी यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। कांग्रेस ने और जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने की कोशिश करी, लेकिन जो हालात थे वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आ पाए थे, ठीक है। बंगाल पंजाब में भी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी, और वहां पर भी ऐसे ही हालात अब होने लगे थे। प्रतिनिधित्व की बात आती थी, रिप्रेजेंटेशन की जहां पर बात आती थी, वहां पर कुछ ना कुछ बहस ही होती रहती थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
यहाँ पर हम देखते हैं सामूहिक अपनेपन के भाव यानी राष्ट्रवाद जो है उसमें किस तरीके से कुछ और भी चीजें थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। देखिए राष्ट्रवाद जो है उसके विकास के दो रीजन थे, ठीक है। पहला माना जाता है संयुक्त संघर्ष, यानी सब लोगों ने जो एक साथ मिलकर संघर्ष किया था वो रिस्पॉन्सिबल था राष्ट्रवादी भावना को मनपने के लिए। 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे आंदोलन देखने को मिले और सारे जो ग्रुप हैं, सारे जो समुदाय हैं, सबने मिलकर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो कहीं ना कहीं एकता की भावना, यूनिटी की जो फीलिंग है वो देखने को यहाँ पर मिली। तो इस वजह से भारत में जो भावना है देखने को काफी मिली। दूसरी हम बात करेंगे सांस्कृतिक प्रक्रिया, यानी सांस्कृतिक भावना की अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के गीत आए, इसके अलावा प्रतीक भी आए, ठीक है, सिंबल्स आए, इसके अलावा रूपक भी आए जिनको हम कहते हैं। जब भारत माता, तो भारत माता में हम एक लेडी फिगर की बात करते हैं जिसको रूपक के तौर पर दर्शाया गया है, भारत की माता के तौर पर, ठीक है। ये सब चीजें हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लिख के बता दूं यहाँ पर, भारत माता वाली जो बात है वो एक तस्वीर रूपक के रूप में दिखाई गई, ठीक है, कि हमारी माता है भारत माता, इसकी हमें रक्षा करनी है। और इसके अलावा हमारी मातृभूमि के बारे में बात हुई, कुछ गीत बने, फ्रीडम की बात हुई, सिक्योरिटी की बात हुई, है ना, वंदे मातरम इसको गाया गया। वंदे मातरम जो है इसके पीछे रीजन ये था कि हमारा जो देश है उसको हम किस तरीके से उसकी गाथा गाते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो गीत है ये लिखा गया था इसके द्वारा। अब ये सबसे पहली बात है कि एक पिक्चर बनाई गई 1817 में और उनको मातृभूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और फिर कौन सा गीत गाया, वंदे मातरम। पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वो तस्वीर बनाई थी, ठीक है। और अगर आपको याद हो आनंद मठ उपन्यास, तो उन्होंने बाद में इसमें आनंद मठ उपन्यास में भी इसको सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है। बंगाल में भी स्वदेशी आंदोलन के तौर पर ये वाला गीत खूब ही गाया गया था, ये वाली भी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और चीज है ये रूपक राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। हो चुका है इसके बारे में बात करें। मद्रास में किस तरीके से राष्ट्रवादी भावना आ रही थी, तो नटेसा शास्त्री जिन्होंने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से एक तमिल संकलन कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो एक बड़ा संकलन था, चार खंडों में इसको प्रकाशित किया। कथाएं थी इसमें काफी, तो ये आपको याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए नाम देकर कि किसने लिखा था तो आपको बता देना नटेसा शास्त्री, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 1921 में स्वराज का झंडा तैयार किया महात्मा गांधी ने और इसमें जो चरखा था इसको स्वावलंबन का प्रतीक बताया गया। तो यही था इसमें मेन सामूहिक अपनेपन के भाव में ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना से लोगों को जोड़े रखती थी। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ही रहता है, बाकी प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारे जो टॉपिक से मेंशन कर दिए हैं उनको आप देख लीजिए, एज अ रिवीजन वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं। साथ ही में एनवीएस की अगर आप, ये तो केवीएस की प्लेलिस्ट है, एनवीएस की प्लेलिस्ट में जाके अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।